चलिए आइए तेजी में लाइव सभी लोग। चलिए चलिए, गुड इवनिंग। शेयर कर दीजिए थोड़ा सा। जोड़ दीजिए जोड़ दीजिए। चलिए आज हम लोग मिस यूनिवर्स, देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे मिस यूनिवर्स, ठीक है, उसके बाद मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स नहीं, और मिस यूनिवर्स बनने से पहले कौन सी कंपटीशन जितना पड़ता है ध्यान रखेंगे। मिस यूनिवर्स बनने से पहले कौन सा कंपटीशन जितना पड़ता है, फिर उसके बाद मिस यूनिवर्स पढ़ते हैं, फिर मिस वर्ल्ड में पहुंचते हैं। आज उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे, मिस वर्ल्ड का शुरुआत कब हुआ था और मिस यूनिवर्स की शुरुआत कब हुआ था, इनके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, जो लोग ठीक है हम लोग देखते हैं, जो नहीं जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम लोग ध्यान रखें। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मिस यूनिवर्स, क्या पढ़ते हैं मिस यूनिवर्स, मतलब मिस यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड सुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी, ठीक है, क्या पढ़ते हैं मिस यूनिवर्स ब्रह्मांड सुंदरी। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत क्या मिस, अगर यूनिवर्स की बात करेंगे तो अभी तक में तीन लोग हैं जो मिस यूनिवर्स बन चुकी है भारत में, अभी तक तीन लोग जो है मिस यूनिवर्स बन चुकी है। सबसे पहले नहीं, सबसे पहले बना है 1994 ईस्वी में मिस यूनिवर्स, उसके बाद 2000 ईस्वी में, और उसके बाद बना 2021 में, 1994 में, 2000 में और 2021 में बना है क्या मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स। अब देखिए 1994 की बात करें तो जो मिस यूनिवर्स बना है वो बना है सुष्मिता सेन, कौन बना है सुष्मिता सेन, सुष्मिता सेन 1994 में बना है मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, और इसमें बना है लारा दत्ता, कौन बना है लारा दत्ता। और फिर 2021 की बात करें तो 2021 में कौन बना है बताइए तो कमेंट में, 2021 में
बना है? मिस यूनिवर्स 2021 में कौन बना है? याद होगा हरियाणा की है, याद है चंडीगढ़ का जो है, चंडीगढ़ का ये 2021 में चंडीगढ़ का है। कहाँ का ये? चंडीगढ़ का। क्या नाम है बताइए? चंडीगढ़ का। जो 21 वर्षों की 21 वर्ष के बाद 21 साल की उम्र में बनी है। क्या है? 21 साल के बाद 21 साल की उम्र में बनी है मिस यूनिवर्स 2021। बताइए इनका नाम कमेंट में क्या है। ठीक है चलिए हम बता देते हैं। इसका नाम है हरनाज सिंधु। क्या नाम है? हरनाज सिंधु। ठीक है हरनाज सिंधु। ध्यान रखिएगा मिस यूनिवर्स बरवान सुंदरी अभी तक में भारत के 3 लोगों को इससे नवाजा जा चुका है, नहीं सम्मानित किया जा चुका है मिस यूनिवर्स पुरस्कार से। वो 1994 ईस्वी में सुष्मिता सेन, 2000 ईस्वी में लारा दत्ता और 2021 में हरनाज सिंधु। और हरनाज सिंधु के बारे में तो आपको ध्यान ही रखना होगा। देखिए 2000 से 2021 21 साल के बाद 21 साल की उम्र में, इनका उम्र भी कितना है? 21 वर्ष का उम्र है। 21 साल के बाद 21 वर्ष की उम्र में हरनाज सिंधु चंडीगढ़ की रहने वाली है, वो क्या बना है? मिस यूनिवर्स ब्रह्मान सुंदरी। अब देखिए ब्रह्मान सुंदरी बनने से पहले क्या होता है? ब्रह्मान सुंदरी बनने से पहले इसको मिस डिवा खिताब जीतना पड़ता है। क्या? मिस डिवा। मिस डिवा ठीक है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में आने से पहले इनको जीतना पड़ता है मिस डिवा प्रतियोगिता। ठीक है तो ध्यान हम लोग को यह भी रखना है कि मिस यूनिवर्स 2021 का है हरनाज सिंधु, लेकिन मिस डिवा भी 2021 का अगर पूछा जाए तो वो भी कौन सा है? हरनाज सिंधु ही है। ठीक है अब हम लोग देखिए यहां बताए थे मिस यूनिवर्स के बारे में, इतना तक तो याद ही हो गया। देखिए हमेशा इस भी को भी याद रखिएगा, भारत के सबसे पहले मिस यूनिवर्स का किताब सुष्मिता सेन के नाम है, उसके बाद 2002 में लारा दत्ता के नाम है और 2021 में हरनाज सिंधु के नाम है। तो अभी तक भारत के 3 लोगों को इससे सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन ये जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके साथ ये रहा। अच्छा इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। कहाँ पे? यूके में। इसका स्थापना, इसका जो शुरुआत हुआ था, पहली बार जो प्रतियोगिता हुआ था मिस यूनिवर्स का, वो कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। और 1952 ईस्वी में अगर बात करें पहली बार हुआ था कहाँ पे हुआ था? यूके में। कहाँ पे? सॉरी ठीक है ध्यान रखिएगा कहाँ हुआ था? 1952 में। 1952 में यूके में नहीं, ये न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है न्यूयॉर्क में ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है 1952 में ये प्रतियोगिता जीती थी वो था आर्मी कुशेला। क्या था? 1952 में जो प्रतियोगिता उसका नाम क्या था? आर्मी KUSELA कुशेला। ठीक है 1952 में पहली बार ये प्रतियोगिता जीती थी आर्मी कुशेला 1952 ईस्वी में। शुरुआत हुआ था इसका कहाँ पे? तो न्यू यॉर्क में। ठीक है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले इसको मिस डिवा खिताब जीतना पड़ता है, और मिस डिवा 2021 का खिताब जीता है कौन? वही जो 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है। क्या नाम है उसका? उनका नाम है आपको हरनाज सिंधु। ठीक है चलिए तो ये था आपका मिस यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड जानने से पहले एक बार मिस यूनिवर्स को पुनः हम रिवाइज कर देते हैं। मिस यूनिवर्स के बारे में हम बताए अभी, मिस यूनिवर्स के बारे में, मिस यूनिवर्स के बारे में हमने ये बताया कि 1994 में जीता, उसके बाद भारत का 2000 ईस्वी में, फिर 2021 में। भारत अभी तक 3 बार मिस प्रतियोगिता से भारत के प्रतिनिधित्व कर मतलब नवाजा चुका, कितना? 3 बार। पहला नाम क्या है ध्यान रखिएगा, पहला नाम है सुष्मिता सेन। क्या नाम था? सुष्मिता सेन। दूसरा नाम है लारा दत्ता,
और तीसरा नाम है हरनाज संधू का, हरनाज हरनाज संधू का। ध्यान रखिएगा ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हरनाज संधू के बारे में, जो आपको एग्जाम में आएगा। और ये आया था कहाँ पे, चंडीगढ़ से। कहाँ की रहने वाली है ये, चंडीगढ़ की रहने वाली है। 21 साल के अंतर के बाद 21 साल की उम्र में प्रतियोगिता जीता है। मिस यूनिवर्स बनने से पहले इसको मिस डिवा का खिताब जीतना पड़ता है। किस चीज का, मिस डिवा का खिताब जीतना पड़ता है मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मिस वर्ल्ड। अच्छा, मिस यूनिवर्स पहली बार कब हुआ था, मिस यूनिवर्स पहली बार कब हुआ था बताइए कमेंट में। मिस यूनिवर्स पहली बार कब हुआ था, मिस यूनिवर्स पहली बार कब हुआ था बताइए। बताइए मिस यूनिवर्स पहली बार कब हुआ था। अगला देखेंगे हम लोग मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड बताइए मिस वर्ल्ड। देखिए भारत अभी तक 6 बार, कितना बार, 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुके हैं भारत की तरफ से। वो सबसे पहले 1966 ईस्वी में भारत की तरफ से जीता है और उनका नाम है रीता फारिया। क्या नाम है उसका, रीता फारिया। उसके बाद अगर देखिएगा तो फिर 1994 ईस्वी में भारत की तरफ से उसका नाम था, पता है, ऐश्वर्या रहे। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो 1997 ईस्वी में और उनका नाम था डायना हेडन, डायना हेडन। और उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो फिर 1999 ईस्वी में इनका नाम था युक्तामुखी, युक्तामुखी। अब फिर अगर बात कीजिएगा तो उसके बाद 2000 ईस्वी में उनका नाम है पीसी, यानी प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा। और फिर अगर बात कीजिएगा तो लास्ट 2017 ईस्वी में और उनका नाम है मानुषी छिल्लर। ठीक है, मानुषी छिल्लर, यह है आपका चंडीगढ़ का, चंडीगढ़। अभी तक में भारत की तरफ से 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब भारत को, कितना, 6 बार मिस वर्ल्ड खिताब मिला है। पहली बार रीता फारिया को 1966 ईस्वी में, दूसरा 1994 ईस्वी में ऐश्वर्या रहे, तीसरा 1997 ईस्वी में डायना हेडन, और युक्तामुखी 1999, फिर प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानुषी छिल्लर 2017। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कमेंट में कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता पहली बार कब हुआ था, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता पहली बार कब हुआ था कमेंट में बताइए। और हम ये बताते हैं कि पहली बार हुआ था इसका जो हुआ था कहाँ पे, यूके में। ठीक है, और आप बता दीजिए कि पहली बार कब हुआ था, इसका शुरुआत कब हुआ था मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का। ठीक है, बता दीजिए कॉमेंट में कि शुरुआत कब हुआ था इसका। जल्दी बता दीजिए। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि 2019 वर्ल्ड का खिताब कौन हुआ था, क्योंकि 2020 में COVID-19 की वजह से क्या हुआ, इसको टाल दिया गया। नहीं तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे पहली बार कब हुआ था, बताइए तो पहली बार कब हुआ था।
चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए हम बता देते हैं, देखिए 1906 की बार मिला था रीता फारिया को, किसको मिला था रीता फारिया को, इसका शुरुआत हुआ था वो हुआ तो 1951 ईस्वी में, क्या हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था शुरुआत, कब हुआ था शुरुआत, इसका शुरुआत हुआ था 1951 ईस्वी में, और ये इसका जो शुरुआत किए थे उनका नाम था एरिक मोडले, क्या नाम था एरिक मोडले ने इसका शुरुआत किया था, इनका जो शुरुआत किया था 1951 ईस्वी में वो क्या था एरिक मोडले, क्या नाम शुरुआत किया था एरिक मोडले, एरिक मोडले, एरिक मोडले। देखिए इनका हम एक तरह से सेट बना के आपको वीडियो बना के डाल देंगे बढ़िया से फ्रेश करके लिख करके, फिलहाल आप जो है ना आप डिस्कस करके इसको सुनिए और आप बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इनका शुरुआत किया था कौन, एरिक मोडले, और इसके वर्तमान जो प्रेसिडेंट है, इनके वर्तमान जो प्रेसिडेंट है वो है जूलिया मोडले, इसका जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में उसका नाम है जूलिया मोडले, जूलिया मोडले, जूलिया, जूलिया मोडले, एरिक मोडले की पत्नी है जूलिया मोडले, ठीक है, एरिक मोडले की पत्नी है जूलिया मोडले, अभी वर्तमान के क्या है प्रेसिडेंट है, इसका शुरुआत किया था एरिक मोडले, कब किया था 1951 ईस्वी में, और भारत की तरफ से 6 लोगों को इस चीज से नवाजा जा चुका है, 1966 में रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या रे, 1997 में डायना हेडन, युक्तामुखी 99 और प्रियंका चोपड़ा 2000, 2017 में मानुषी तिलक, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, चलिए देखिए 2019 में किसे मिला मिस वर्ल्ड का खिताब, ये बता दीजिए 2019 का, 2019 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता 2019 का, बताइए तो कमेंट बॉक्स में। देखिए 2019 का खिताब टोनी एन सिंह को, किसे टोनी एन सिंह, टोनी एन सिंह को, टोनी एन सिंह 2019 का मिस वर्ल्ड, और 2020 का मिस वर्ल्ड की बात करें तो ये कोरोना की वजह से क्या हुआ स्थगित हो गया, 2021 में होना मतलब वो क्या स्थगित हो गया, कोरोना की वजह से क्या हुआ स्थगित हो गया है, कोरोना की वजह से क्या हो गया स्थगित हो गया, ठीक है। चल देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले आपको उससे पहले आपको मिस इंडिया खिताब जीतना पड़ता है, किसका मिस इंडिया खिताब जीतना पड़ता है, अगर मिस इंडिया खिताब जीतेंगे तभी आप मिस वर्ल्ड में भाग ले सकते हैं, मिस वर्ल्ड में तभी आप भाग ले सकते हैं, लेकिन मिस इंडिया बनने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले आपको मिस स्टेट का खिताब जीतना पड़ता है, किसका मिस स्टेट का खिताब जीतना पड़ता है, आप मिस स्टेट का खिताब जीतेंगे तब फिर फेमिना मिस इंडिया खिताब जीतेंगे और इसके बाद आपको मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मौका मिलेगा। देखिए तो हम लोग अभी देखे थे भारत की तरफ से अभी तक में मिस वर्ल्ड 6 लोगों को, जिसका 6 का नाम हम लोग देख ध्यान से देख लिए थे, पहला नाम था कौन रीता फारिया का, क्या नाम था पहला, पहला नाम था रीता फारिया का, ठीक है, जिसको मिला 1966 में, दूसरा नाम देखे थे हम लोग ऐश्वर्या राय का, दूसरा नाम ऐश्वर्या राय का देखे थे और ऐश्वर्या राय के बारे में 1994 ईस्वी में, और तीसरा नाम देखे थे हम लोग डायना हेडन, किसका डायना हेडन का, नहीं डायना हेडन का नाम देखे थे इसको 1997 में, और उसके बाद चौथा नाम देखे थे डायना सॉरी युक्तामुखी का, किसका युक्तामुखी का, और युक्तामुखी 1999 में, उसके बाद देखे थे प्रियंका चोपड़ा, क्या देखे थे उसके बाद
उसके बाद देखे थे प्रियंका चोपड़ा। अब प्रियंका चोपड़ा को हम लोग देखे थे 2000 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद आपको मानुषी छिल्लर, मानुषी छिल्लर, और उसको हम कब उसको मिला है ये 2017 में। अब देखिए मिस इंडिया प्रतियोगिता पूछा जाता है, अच्छा मानुषी छिल्लर 2017 का है, मिस इंडिया प्रतियोगिता हुआ था 2020 में, प्रेजेंट जो हुआ है अभी कब हुआ था 2020 में हुआ था। और इस 2020 में मानसा वाराणसी, कौन मानसा वाराणसी, मानसा वाराणसी 2020 की प्रतियोगिता में मिस इंडिया बना। और हम अभी बताए थे मिस स्टेट के बाद मिस इंडिया बनता है, मिस इंडिया अगर जीतते हैं तो आप मिस वर्ल्ड में भाग लेते हैं। तो 2020 में जो मिस इंडिया बना है वो कौन बना है, मानसा वाराणसी। और मानसा वाराणसी को ही जो दिसंबर में होना था 2021 में मिस वर्ल्ड होना था, उसमें इनको पार्टिसिपेट करना था, लेकिन कोरोना की वजह से क्या हुआ, 2021 में जो मिस वर्ल्ड होना था वो क्या हुआ, कोरोना की वजह से क्या हुआ, स्थगित हो गया। तो इन्हीं को भाग लेना था लेकिन कोरोना की वजह से क्या हुआ, स्थगित हो गया। आगे हो सकता है 90 दिन के बाद फिर हो सकता है कि इसका फिर प्रतियोगिता हो तो उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। अब ध्यान से देखिए मानसा वाराणसी के बारे में भी ध्यान रखिए, ये मानसा वाराणसी है कहाँ, ये इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, कहाँ हुआ था इनका जो जन्म हुआ था मानसा वाराणसी का, इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, कहाँ पर हुआ था इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, ठीक है ना, कहाँ से हुआ था इनका जन्म हुआ है हैदराबाद में, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इन्हीं को पार्टिसिपेट करना है मिस वर्ल्ड 2021 वाला में, और 21 तो समाप्त हो गया तो 22 में होगा। चलिए तो हम लोग इस चीज को जान लिए। अब ध्यान दीजिए, देखिए मिस वर्ल्ड का खिताब बता ही दिए 1951 में हुआ था, पहली बार कब हुआ था 1951 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, ये हुआ था यूके में, कहाँ हुआ था ये पहली बार, ये पहली बार हुआ था यूके में, ठीक है, ये पहली बार कब हुआ था यूके में। चलिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान इसका प्रेसिडेंट को, अभी तुरंत बताए थे प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है इसका बताइए, अभी तुरंत बताए थे कमेंट प्रेसिडेंट वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है बताइए कमेंट बॉक्स में, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है बताइए। तो बताइए इसका वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है मिस वर्ल्ड का, बताइए तो कौन है वर्तमान में प्रेसिडेंट इसका। प्रेसिडेंट कौन है, एरिक मोरले का पत्नी, है वर्तमान में इसका प्रेसिडेंट मिस वर्ल्ड का, और उनका नाम था जूलिया मोरले, क्या नाम था जूलिया मोरले, बताए थे नवी तुरंत। और इसका स्थापना क्या था, एरिक मोरले,
ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लिए मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के बारे में। देखिए चलिए आप लोग कुछ मैथ्स देख रहे थे, बताइए तो आपके लिए क्वेश्चन रहा, एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान यदि ए दिया रहे, आप लोग अगर क्लास का आज का वीडियो देखे होंगे तो एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान यदि ए दिया रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन रहा कि एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर नाइन, और आप लोग कमेंट में तेजी में बता दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर ए, और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू। तो आप इसके इस फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यदि एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान नाइन दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर पूछा जाए, बताइए इसका होने वाला है, थोड़ा सा फास्ट ही बता दीजिए। हम बता देते हैं, तो होता है ए स्क्वायर माइनस टू, ए की जगह कितना है नौ, तो नौ का स्क्वायर माइनस दो, और नौ का स्क्वायर होता है एक्स बराबर आपको दे दिया है ट्वेल्व। चलिए आज आप लोग बताइए और कमेंट में भेजिएगा, कल से बढ़िया फ्रेश किया जाएगा, फ्रेश कर दिया जाएगा। ठीक है सर, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, अगर किन्हीं को फ्रेश नहीं आ रहा तो क्वालिटी बढ़ाने फ्रेश आता है। एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान ट्वेल्व दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर पूछा है, इसके लिए क्या होगा, ट्वेल्व का स्क्वायर माइनस टू, अब बारह का स्क्वायर होता है 144, अब माइनस दो, 144 माइनस दो होता है 142, कितना होता है 142। अब देखिए ध्यान से दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको, इसी एक्स प्लस वन बाय एक्स से इसी से अब जो दूसरा आता है ये एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू, और इसके लिए होता है ए क्यू माइनस थ्री ए। एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान यदि दे दिया है और एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू पूछेगा तो होगा ए क्यू माइनस थ्री ए। अगर इसकी एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर आपसे फोर दे रखा है, ये फोर है और आपसे पूछा जाए एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू, इसके लिए क्या होगा ये बताइए, कमेंट बताइए इस फॉर्मूला पे ये सवाल बनेगा।
बताइए। एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान 4 दिया है और एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू पूछेगा, फॉर्मूला होता है AQ-3। AQ मतलब 4 का क्यू माइनस 3 गुना ए, ए का मान दे रखा है 4। 4 का क्यू कितना होता है 64, 64 माइनस 4 गुना 3 कितना होता है 12, 64 माइनस 12 हो जाता है 52। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करने का मतलब है कि कल से हम लोग बहुत ही शानदार तरीका से फ्रेश करेंगे, ठीक है। अगर कोई फ्रेश नहीं दिख रहा है तो फ्रेश करेंगे, ठीक है। क्वालिटी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे आज क्या प्रॉब्लम हुआ था, जो प्रॉब्लम हुआ था उसको सुधारने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे किस टाइप से क्विज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चे जुड़े और क्विज करेंगे, ठीक है। होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा बुक से, और ठीक है, और बुक से आप सब पढ़ के आएंगे और कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पर बताएंगे, बोर्ड पर लिखेंगे या मौखिक बोलेंगे, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि होता है क्या, एग्जाम जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन है, अचानक क्वेश्चन आता है, तो वही क्या होगा, आपको होमवर्क रहेगा और हम अचानक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है। इससे बहुत ही सुंदर तैयारी हो जाएगा हम लोग का, मैथ का भी पूछेंगे, रीजनिंग का भी पूछेंगे और जीके का भी पूछेंगे, साथ साथ करेंट का भी पूछेंगे, ठीक है। तो कल से हम फिर मिलते हैं 8 बजे, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, जबरदस्त तरीका से तैयारी करेंगे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, उसमें रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा नंबर, ये 7549356846 मेरा ये नंबर है, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे ग्रुप से, ठीक है, और वहां से तो फिर और बेनिफिट ज्यादा होगा ही होगा। चलिए रहने देते हैं फिर हम लोग, थैंक यू।